यह एक बहुत जरूरी सवाल है बिना किसी स्पष्ट तार्किक तर्क के। भगवान कृष्ण ने कहा कि लोग अपने पिछले जन्म के दौरान किए गए कर्मों के कारण अपने कर्जों को पूर्ण करने के लिए जन्म लेते हैं। हम में से प्रत्येक हमारे जन्म के लिए जिम्मेदार है। भगवान का इससे कोई लेना देना नहीं है। हम जन्म और मृत्यु के इस चक्र को जारी रखते हैं। जब तक हम अपने सभी कर्म ऋण को समाप्त नहीं कर लेते तब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान यह तय नहीं करते कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, ना ही वह लोगों के कार्य करने के लिए उनको प्रेरित करते हैं, ना ही वह किसी कार्यवाही का फल पैदा करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वासनाओं के अनुसार कार्य करता है, अतीत और मन की वर्तमान धारणाओं के अनुसार। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।